शाहरुख खान और गौरी खान को बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक और ऑनेस्ट कपल माना जाता है। आज हम आपको इनकी जिंदगी की एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसमें कि शाहरुख खान को हिंदू बनना पड़ा था और गौरी खान को मुस्लिम बनना पड़ा था। शाहरुख खान का जन्म 1965 में हुआ था और जब ये बहुत ही छोटे थे उस समय इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी मायूस रहते थे। 1984 में दिल्ली में एक पार्टी में शाहरुख खान की मुलाकात गौरी खान से होती है। शाहरुख खान को गौरी खान अच्छी लगती हैं और वो उनको प्रपोज कर देते हैं, लेकिन गौरी खान साफ साफ मना कर देती हैं। लेकिन शाहरुख खान भी गौरी खान के पीछे लगे रहते हैं और वो कोशिश करते रहते हैं उनको मनाने की। 1990 में जब शाहरुख खान की माता का देहांत होता है तो गौरी खान का दिल पिघल जाता है और वो शाहरुख खान से शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि जो गौरी खान की फैमिली थी वो हिंदू थे और गौरी खान के फादर अपनी बेटी की इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहते थे। लेकिन शाहरुख खान से मिलने के बाद उन्हें शाहरुख खान अच्छे लगे और उन्होंने अपना विचार बदल लिया। शाहरुख और गौरी ने अपनी शादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के मुताबिक की। जब शाहरुख खान ने हिंदू धर्म के मुताबिक शादी की तो उन्होंने अपना नाम बदल के जितेंद्र कुमार तुल्य रख लिया, जो कि मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार का वास्तविक नाम था। गौरी खान ने भी अपना नाम बदल के फातिमा रख लिया था और उसके बाद 1991 में इन दोनों की शादी हो गई। आज इनको बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक और ऑनेस्ट कपल माना जाता है। आज भी शाहरुख और गौरी में उतना ही प्यार है जितना कि 40 साल पहले था और वो एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं। शाहरुख और गौरी की आज अपनी प्यारी सी फैमिली भी है। भगवान इस फैमिली को हमेशा खुश रखे और आप भी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।